गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एज यू नो वी आर रिसाइटिंग पोएम वेक अप. यू हैव कंप्लीटेड इट्स क्वेश्चन आंसर. नाउ टुडे वी आर वी विल डू इट्स एक्सरसाइजेस. कनेक्ट एक्सरसाइज नंबर वन. कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग एंड एंड बट. एंड और बट का प्रयोग करते हुए आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको जोड़ना है. ठीक है. नंबर वन ए. सेंटेंस नंबर ए. इट इज़ अ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. ये स्कूल जाने का समय है. बी आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. ये स्कूल जाने का समय है. दूसरा पॉइंट है मैं अभी और सोना चाहता हूँ. तो इन दोनों को जोड़कर एक बनाना है, एक वाक्य बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है. ठीक है. तो क्या करेंगे, हमने एंड एंड बट, एंड और बट का प्रयोग करना है. इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. ये स्कूल के लिए जाने का समय है. बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. लेकिन मैं कुछ और समय सोना चाहता हूँ. ठीक है. इसमें बट लगा है. बट लगा करके दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है, उनको कनेक्ट किया है. ये कनेक्टर्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं. ठीक है. नंबर टू ए. शीला गॉट सम चॉकलेट फॉर हर बर्थडे. शीला को अपने जन्मदिन पर कुछ चॉकलेट्स मिली हैं. बी शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू. और उसको कुछ नए कपड़े भी मिले हैं. तो इन दोनों वाक्यों को, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है. शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू. किसे जोड़ा है, एंड से. एंड लगा करके हमने दोनों वाक्यों को जोड़ा है. शीला गॉट सम चॉकलेट फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू. और उसको कुछ नए कपड़े भी मिले हैं. नंबर थ्री एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप. प्रत्येक व्यक्ति सोने जा चुका है. बी आई वॉन्ट टू रीड माई बुक. मैं अपनी पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ. आंसर क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे कैसे. एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप. हर व्यक्ति जो सोने चला गया है. बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक. परंतु मैं अपनी पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ. बट लगा करके हमने इसको जोड़ा है. राजू प्लेज क्रिकेट. ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. राजू क्रिकेट खेलता है. ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. वह हॉकी भी खेलता है. राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. और वो हॉकी भी खेलता है. एंड लगा करके इसको राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी. इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी. राजू क्रिकेट खेलता है और हॉकी खेलता है. राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. ऐसे भी बन सकता है. या राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी. ठीक है. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर टू. फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल्स गिवन बिलो. ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, है ना. इसमें फर्स्ट है टाइनी, टाइनियर, टाइनेस्ट. बिग बिगर, बिगेस्ट. स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपियस्ट. लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं. तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन इन देयर ओन कॉपीज. ठीक है. अपनी कॉपी में इसको सब लिखेंगे इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. एंड पे स्पेशल अटेंशन ऑन करेक्ट स्पेलिंग्स. स्पेलिंग्स और राइटिंग सबकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए. ठीक है. ओके. सब कंप्लीट करेंगे काम. ओके. थैंक यू.